क्योंकि इसमें एक कविता है कलाम साहब की, और वो कविता जो है बहुत ही प्रासंगिक है। और वो कविता प्रासंगिक क्यों है? वो कविता इसलिए प्रासंगिक है कि कविता इसलिए प्रासंगिक है कि सूडान जब से स्वतंत्र हुआ तब से वो गृह युद्ध में फंसा रहा। पहले क्या झगड़ा था? उत्तर सूडान और दक्षिण सूडान का झगड़ा था। उत्तर सूडान जो है सुन्नी अरब आबादी का इलाका था, दक्षिण सूडान ईसाई एनिमिस्टों का इलाका था। इनमें झगड़े होते रहे कि नहीं, ठीक है। तो ये जब कलाम साहब गए तो उस समय ये सब वहां चल रहा था। और बड़ी एक अजीब बात है कि वो झगड़े चलते रहे और वो गृह युद्ध में सूडान फंसा रहा। उसके बाद 2011 में जो दक्षिण सूडान है वो एक अलग रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान बन गया। तब तो झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए, ईसाइयों को अपना जो उनकी बहुत पुरानी वो थी वो तो मिल गई, और इधर उत्तर सूडान में तो सुन्नी मुस्लिम हैं, यहाँ पर आप झगड़े की क्या वजह? लेकिन साहब झगड़ा तो अभी भी हो रहा है, गृह युद्ध उत्तरी सूडान में भी चल रहा है, और गृह युद्ध जो है वो दक्षिणी सूडान में भी चल रहा है। ये तो अभी की बात है, लेकिन ये जब किताब जब ये वृतांत है वो उसके पहले का मेरे ख्याल से। तो कलाम साहब ने वहां पे एक कविता सुनाई। सूडान की एक खासियत है कि वहां दो नील नदियां हैं, एक ब्लू नील और एक व्हाइट नील, और उनका जो है वो संगम होता है खार्तूम में, ठीक है। तो उसी पर वहां पर कलाम साहब ने अपनी कविता सुनाई, और कविता अंग्रेजी में थी। जयशंकर जी ने उसका हिंदी में अनुवाद भी किया, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं अंग्रेजी आपको पढ़ के सुनाऊं, उसका उसको मैं हिंदी में थोड़ा सा बता दूंगा। माई मदर कॉल्ड मी ब्लू नाइल, ब्लू नाइल कहती है, मेरी माँ मुझे ब्लू नाइल कह के पुकारती है। आई एम ऑल्सो नेम्ड बाई मदर व्हाइट नाइल, व्हाइट नाइल कहती है कि मुझे मेरी माँ मुझे भी वो व्हाइट नाइल कहती है, ठीक है। वेन वी ग्रू एंड ड्रू वी आस्क, ओ मदर टेल अस व्हाई डिड यू नेम अस नाइल, माँ आपने हमारा नाम नाइल क्यों रखा। आवर मदर सेड लविंगली, ओ आवर चिल्ड्रेन यू ट्रेवल एंड ट्रेवल क्रॉस माउंटेन्स फॉरेस्ट एंड वैलीज थाउजेंड ऑफ माइल्स एन रिचिंग 9 कंट्रीज। वो मेरे बच्चों तुम जंगलों से जाती हो, पहाड़ों से जाती हो और घाटियों से जाती हो, और 9 देशों को एक के साथ जोड़ती हो, ठीक है। यू रीच खार्तूम, खार्तूम में उनका संगम होता है, और वो जोड़ते हुए तुम लोग खार्तूम पहुंचते हो। गॉड हैज कमांडेड यू टू गिव ए मैसेज वेन वी रिवर्स कॉन्फ्लुएंस, ओ ह्यूमैनिटी व्हाई नॉट योर हार्ट्स कॉन्फ्लुएंस। जब हम नदियां मिल सकती हैं तो ओ इंसानियत, ओ मानवता, आप लोगों का संगम क्यों नहीं हो सकता। कितनी महत्वपूर्ण बात है जो कलाम साहब की ये कविता कहती है, और इस कविता का उल्लेख जो है जयशंकर जी करते हैं, और मैं उसको पढ़ते हुए सूडान के में चल रही गृह युद्ध की स्थितियों से उसको जोड़ता हूँ। और न केवल सूडान में चल रहे गृह युद्ध की स्थितियों से, बल्कि पूरी दुनिया में जो मानवता के उसमें मानव समूहों में तमाम जगहों पर जो इस तरह के तनाव चल रहे हैं, जो इस तरह के संघर्ष चल रहे हैं, जो इस तरह के झगड़े चल रहे हैं,
उसको लेकर के मैं सोचता हूँ कि कितनी गहरी बात कही है कि ये जब नदियों का संगम हो सकता है तो मनुष्यों का संगम क्यों नहीं हो सकता, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसके आगे अब ये तो हो गई बात सूडान की।